हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि काफ़ी बार रिक्वेस्ट आई गई थी कि मैम क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन जो है वो करवा दीजिएगा, तो यहाँ पे मैंने जो है अक्टूबर नवंबर 2019 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने लिया हुआ है। आप ये पेपर डायरेक्टली वेनेजू के ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल पे भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, या तो फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके वीडियो पे रख ही रही हूँ, तो आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप सारे सम करेंगे। एक ही वीडियो में मैं सारा सम नहीं इंक्लूड कर रही, ताकि वीडियो एकदम लंबा ना चले और आप थक ना जाओ। तो यहाँ पे मैंने जो है सबसे पहले सैलरी इनकम सॉल्व करने की कोशिश की है। हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है ऑन 1/10/13 मिस्टर संजय ज्वाइंट एज अ मैनेजर इन निर्मा कंपनी लिमिटेड इन सैलरी स्केल ऑफ 1,25,000, 5,000 इंक्रीमेंट, 1,40,000, देन 10,000 इंक्रीमेंट, देन 2,50,000। यू हैव टू फाइंड आउट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम द सैलरी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2017-18 फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन बिलो। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग को स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है, मैंने वैसे स्टेटमेंट बना दिया, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर बना दिया है, स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस सैलरी इनकम बना दिया है। तो सबसे पहले तो हम लोग को यहाँ पे सैलरी काउंट करनी है। अब सैलरी के लिए उन्होंने स्टार्टिंग सैलरी कितनी बोली, 1,25,000। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि हर साल जो है 5,000 इंक्रीज हो रहा है, यानी हो जाएगा 1,30,000। अब ये 1,30,000 कौन से मंथ से रहेगा, 1/10/13 से लेके हमारा इसका ऊपर का मंथ जो रहता है वो 30 सितंबर रहता है, 30 सितंबर 14 तक का। ठीक है, फिर उसके बाद वापस हम 5,000 इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,35,000। ये कौन से डेट से हो जाएगा, तो 1/10/14 से लेके 30 सितंबर 15। ठीक है, फिर वापस हम लोग 5,000 इंक्रीज कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1,40,000। ये कौन से डेट से, 1/10/15 से लेके 30 सितंबर 16 तक। अब 1,40,000 होने के बाद उन्होंने बोला कि 10,000 से इंक्रीज करना है, तो हम 10,000 से इंक्रीज कर देंगे, यानी आएगा 1,50,000। ये कौन से डेट से होगा, 1/10/16 से लेके 30 सितंबर 17 तक। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का असेसमेंट ईयर जो है 17-18 है, यानी प्रीवियस ईयर हम लोग का क्या हो जाएगा, 16-17। 16 कहाँ पे आ रहा है, ये पहला 16 आ रहा है। हम लोग का अकाउंटिंग ईयर क्या रहता है, 1 अप्रैल 16 से लेके 30 सितंबर 16 तक की हमारी इनकम कितनी थी, 1,40,000। ठीक है, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 16 से लेके 31 मार्च 17 तक की हमारी इनकम कितनी थी, 1,50,000। कितने मंथ का गैप हो रहा है दोस्तों, 6 मंथ का, तो इंटू 6 कर दिया, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया, तो ये आया 8,40,000। देन 1,50,000 इंटू 6 कर दिया, तो ये हम लोग का आया 9,00,000। दोनों को मिला के जो है वैल्यू आ जाएगी हमारी 17,40,000। ये क्या हो जाएगा हमारा बेसिक पे, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे बेसिक पे 17,40,000। ये ऑलरेडी हम लोगों ने कैलकुलेशन करके रख दिया, आप नोट नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, अब सेकंड उसके बाद उन्होंने बोला है 40% ऑफ बेसिक पे इज रिसीव एज अ डियरनेस अलावेंस, तो डीए हम लोग का 1740 का क्या परसेंट हो जाएगा, 40%, यानी 6,96,000, 6,96,000। ठीक है, ये तो हो गया, लेकिन ब्रैकेट के अंदर उन्होंने बोला है 50% ऑफ विच इज टू बी कंसिडर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रोविडेंट फंड। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोविडेंट फंड का अलग से बताना पड़ेगा, यानी इसका 50% कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3,48,000। ये हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रोविडेंट फंड का वैल्यू। ठीक है, इसको क्यों अलग करते हैं, तो जब भी हम BABC कैलकुलेट करेंगे तो प्रोविडेंट फंड की वैल्यू ली ही जाती है, डीएनएस अलावेंस की वैल्यू नहीं लेते, लेकिन प्रोविडेंट फंड या रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए कोई बैलेंस होगा तो वो हम लोग BABC में कैलकुलेट करते हैं, इसकी वजह से हमने इसको अलग करके बताया। फिर उसके बाद दिया है ₹8,000 पर मंथ इज पेड एज अ एंटरटेनमेंट अलावेंस, तो हम यहाँ पे एंटरटेनमेंट अलावेंस कर देंगे। 8,000 मल्टीप्लाई बाय डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि पूरा का पूरा टैक्सेबल रहता है, हम लोग का ये कितना आ जाएगा, 96,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट एजुकेशन अलावेंस उन्होंने बोला है 1,200 पर चाइल्ड पर मंथ फॉर 2 चिल्ड्रन, तो अब हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं एजुकेशन अलावेंस, यहाँ पे हम लोग कर देंगे एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड। ठीक है, उन्होंने क्या बोला, 1200 पर चाइल्ड है, यानी 2 चिल्ड्रन है, मल्टीप्लाई बाय 12, और हमारा एग्जेम्प्टेड जो रहता है वो रहता है 100 मिनिमम इंटू 2 इंटू 12। ठीक है, तो ये 1200 इंटू 2 इंटू 12 कर दिया, तो ऊपर वाला बैलेंस आ गया 2,880,
और नीचे वाला हो जाएगा 2400, डिफरेंस निकल के हम लोग बाहर कर देंगे यानी 26400। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला हुआ है द कंपनी हैज़ पेड 18,000 एज गैस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्जेस ऑफ विच 2/3 इज़ फॉर पर्सनल यूज़। जितना पर्सनल यूज़ है दोस्तों वो पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देंगे गैस इलेक्ट्रिसिटी एक्सपांस, ठीक है, और डायरेक्टली 18,000 का क्या कर देंगे 2/3, क्योंकि वही हम लोग का पर्सनल यूज़ के लिए। तो 18,000 का 2/3 पार्ट कर दिया तो कितना हो जाएगा हमारा 12,000। ठीक है, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अ रेसिडेंटल हाउस बंगलो इन बड़ौदा पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 10 लाख बट नॉट लेस देन 25 लाख इज़ प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। म्यूनसिपल वैल्यू इज़ 40,000। फर्नीचर कॉस्टिंग 2,48,000 हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी। तो अब हम लोग कौन सा पॉइंट करने जा रहे हैं, एच आर ए या 10% करना है। तो बी ए बी सी में हम लोग का कौन कौन सा बैलेंस है, एक तो हमारा बेसिक पे है 1,74,000 17,40,000, फिर उसके बाद 34,8,000, फिर उसके बाद हमारा एंटरटेनमेंट अलावेंस जो कि 96,000, और लास्ट हमारा एजुकेशन अलावेंस है 26,400। ठीक है, तो हम लोग का वैल्यू है 2,21,0,400। तो हम लोग क्या कर देंगे, 2,21,0,400 का हमारा कितना परसेंट 10% रहता है, तो इसका हम 10% निकाल देंगे, आया 2,21,0,400। ठीक है, ये हुआ। प्लस उसमें हम लोग का फर्नीचर का जो बैलेंस है वो प्लस हो जाएगा, उसका 10% निकाला जाएगा। फर्नीचर का बैलेंस हमारा था 2,48,000, ठीक है, और उसका कितना परसेंट हम लोग डाल देंगे 10%, तो इसका हम 10% निकालेंगे, कितना बैलेंस आ गया 2,04,800 × 10% 2,04,800। ठीक है, अब दोनों को प्लस कर देंगे 2,21,0,40 तो हमारा बैलेंस आया 2,41,520। ये हमारा क्या हो गया, एच आर ए हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है द कंपनी हैज़ पेड अ सैलरी ऑफ वॉचमैन एंड अ गार्डनर ऑफ 5,200 and 4,200 per month। कंपनी ने खुद का घर दिया हुआ है, बंगलो दिया है, तो गार्डनर की सैलरी नहीं आएगी, यानी हम लोग को सिर्फ यहाँ पे क्या करनी है, वॉचमैन की सैलरी डालनी है। अब वॉचमैन का सैलरी पूरा का पूरा टैक्सेबल रहता है। वॉचमैन का सैलरी कितना बोला है 5,200 per month बोला है, तो × 12 कर दिया, 5,200 × 12 कर दिया तो हमारा बैलेंस आया 62,400। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लोग को बोला है द कंपनी हैज़ पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 10,300 एंड ऑल्सो डिपॉजिट 32,000 इन द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो ये दोनों के दोनों पूरे के पूरे टैक्सेबल है। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ LIC, LIC का बैलेंस कितना था 10,300, और दूसरा हमारा बैलेंस किसका था, पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डिपॉजिट किया PPF में, तो वो भी हमारा पूरा टैक्सेबल है 32,000। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने बोला ही कंट्रीब्यूट टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 15% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस 50% ऑफ डियरनेस अलावेंस। कंपनी कंट्रीब्यूशन इज 12% ऑफ सैलरी। दोस्तों हम लोग जब है ना RPF करते, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड करते, तो हमारा एग्जेम्प्टेड जो रहता है वो 12% रहता है, और एक्चुअल हम लोग जो कंपनी देती है वो देखा जाता है। तो हम लोग का यहाँ पे 12% जो है कंपनी दे रही है, यानी एक्चुअल भी हमारा क्या हो रहा है 12%, और एग्जेम्प्टेड भी हमारा क्या हो रहा है 12%, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, नील या ज़ीरो। ठीक है, तो हम लोग को RPF तो यहाँ पे नहीं निकालना। फिर उसके बाद उन्होंने बोला 200 जो है डिडक्ट करे प्रोफेशनल टैक्स में, ये तो हम लोग को एंड में काम करना है। द कंपनी हैज़ पेड इज होटल एंड क्लब बिल 42,000, तो ये हम लोग को डालना है, होटल बिल करके हम डाल देंगे, कितना हो जाएगा 42,000, तो 42,000 हमने बाहर कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है ₹9,500 एज कंपेंसेशन फॉर इंजरी ड्यूरिंग ऑफिस आर इज ऑल्सो पेड बाय द कंपनी। कंपनी ने जब कंपनी में काम कर रहा था वर्कर, तो उसको इंजरी हुई थी और तब पैसा पे किया था, तो वो हम लोग टैक्सेबल नहीं करते। ठीक है, यानी वो हम लोग को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करना। अब हम लोग टोटल कर देंगे 17,40,69,6,96,000 26,400 12,200 24,520 62,400 10,300 32,000 and 42,000। तो हम लोग का ग्रॉस सैलरी आ गया 2,958,620। ठीक है, इसमें से हम माइनस कर देंगे हम लोग का प्रोफेशनल टैक्स। हम लोग को प्रोफेशनल टैक्स कितना बोला हुआ है, यहाँ पे बोला था हम लोग को 200 per month बोला था, हम लोग 12 month के हिसाब से निकाल देंगे तो कितना आएगा 2,400 माइनस करके रख देंगे 2,958,620 − 2,400, तो बैलेंस हमारा जो है वो आया 2,956,220। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल सैलरी।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ये कम्प्लीट हुआ। बहुत ही इजी सा सम था, बस हम लोग को रूल्स कुछ याद करने पड़ेंगे, वो रूल के बेस पे ही हमारा पूरा सैलरी इनकम चलता है। और रूल्स के ऑलरेडी मैंने वीडियो सारे डाले रखे हुए हैं, आप चाहो तो उस वीडियो को गो थ्रू कर सकते हो ताकि आपको सैलरी इनकम और अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ऐसे ही नए नए वीडियोज़ के साथ हम आपको मिलते रहेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।